नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के लिहाज से अब बड़ा दिन है। जहां एक तरफ राजस्थान के लिए हम जान रहे हैं कि 14 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, वहीं मणिपुर विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने जा रही है। ये फ्लोर टेस्ट ही बीजेपी की गठबंधन सरकार का भविष्य तय करेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जहां बीते शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, सीएम बीरेन सिंह ने यह कदम तब उठाया था जब विपक्षी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। मणिपुर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय विधानसभा में सरकार का विश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कांग्रेस को जीत का विश्वास है। कांग्रेस ने अपने सभी 24 विधायकों को व्हीप जारी कर दिया है। दरअसल मणिपुर में लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चल रही थी। कुछ विधायक और मंत्री बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार से बगावत कर गए थे, लेकिन इस घटना ने राज्य की राजनीति को बड़ा तूल दे दिया। इसके अलावा जहां ड्रग केस में बीजेपी नेता का नाम आने पर भी राजनीतिक बवाल मच गया, विपक्षी कांग्रेस भी एक्टिव हो गई और 28 जुलाई को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। कांग्रेस का आरोप है कि हाई प्रोफाइल ड्रग केस की जांच सीबीआई को सौंपने की विपक्ष की मांग सरकार ने नहीं मानी, क्योंकि इसमें बीजेपी नेता का नाम आ रहा है। आज विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग होनी है और इसके मद्देनजर कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हीप जारी किया है। व्हीप में सभी सदस्यों से सुबह 11 बजे सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की थी। इसकी घटना के बाद ही पार्टी की तरफ से विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। कोरोना वायरस संकट के बीच काफी वक्त तक संसद का कामकाज रुका रहा। इस बीच कई बार वर्चुअल पार्लियामेंट को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन अब संसदीय कमेटी की कई बैठकें संसद भवन में हो रही हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। डेरेक का कहना है कि संसदीय कमेटियों की बैठक को वर्चुअल तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिक लोग नहीं होते। जहां टीएमसी सांसद ने आज ट्वीट कर लिखा कि टीएमसी वर्चुअल पार्लियामेंट के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि संसदीय कमेटी की बैठक वर्चुअल तरीके से ना हो सके। आज भी डेटा प्राइवेसी के मसले पर बैठक होनी है, जो कि बुलाई गई है। इस बैठक को वर्चुअल तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता था, इस बारे में मैंने एक बार फिर से राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बैठकें संसद भवन में हो चुकी हैं, जो कि अलग अलग मंत्रालय से जुड़ी रही हैं। कुछ बैठकों में शामिल होने वाले मंत्री या सांसद बाद में कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए, यही कारण है कि कई सांसदों ने सुरक्षा कारणों से सवाल खड़े किए हैं। मार्च के बाद से ही संसद भवन का काम नहीं हुआ है। अब नया सत्र भी 15 अगस्त के बाद या फिर सितंबर महीने में हो सकता है। पहले चर्चा थी कि सत्र को वर्चुअली बुलाया जा सकता है, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अन्य नियमों के साथ सत्र को बुलाया जा सकता है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए पर्यावरण प्रभाव आंकलन 2020 ड्राफ्ट का विरोध किया है। उन्होंने मसौदे को वापस लेने के लिए मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मसौदे का मकसद लूट है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन यानी EIA 2020 ड्राफ्ट का मकसद साफ है, देश की लूट। यह एक और खौफनाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट बूट के मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही है। देश की लूट और पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए EIA 2020 ड्राफ्ट को वापस लिया जाना चाहिए। बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय ने इसी साल मार्च में EIA मसौदे को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इस पर जनता से राय मांगी गई। इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के मामले आते हैं। उधर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति एक बार फिर से जातिगत वोट बैंक की राजनीति यहां होती दिख रही है। दरअसल योगी राज में लगातार हो रहे हमले से ब्राह्मण वर्ग वैसे ही सरकार से खफा है। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर में इसमें
आग में घी डालने का काम इस मामले ने किया था और ब्राह्मणों की नाराजगी को विपक्षी दल अब भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यूपी में सभी मुख्य विपक्षी दल एकमुष्ट होकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना साध रहे हैं। वहीं अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए एसपी से लेकर बीएसपी यूपी में अपनी सियासी वैतरणी पार कराने की कोशिशों में है। वहीं कांग्रेस भी ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। पिछले साल जहां लोकसभा चुनाव लड़ने वाली एसपी और बीएसपी ब्राह्मण वोट साधने के लिए इस बार एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए ही उतर आई हैं। पिछले दिनों ब्राह्मण वोट भुनाते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया, तो मायावती कैसे पीछे रहने वाली थी। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए अब रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसपी से बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया। अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को याद करते हुए मायावती ने कहा है कि जातियों के महापुरुषों को बीएसपी से ज्यादा किसी दल ने सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो न सिर्फ परशुराम की मूर्ति लगवाई जाएगी बल्कि अस्पताल, पार्क और बड़े बड़े निर्माण स्थल को महापुरुषों का नाम दिया जाएगा। पढ़ेंगे आगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार के 11 सदस्य एक खेत में मृत पाए गए। पुलिस ने ये जानकारी दी, जहां मृतकों में 5 बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा है कि परिवार का एक सदस्य देचू इलाके के लोड़ता गांव में उसी झोपड़ी के बाहर जिंदा मिला जहां ये लोग रहते थे। वो इलाका जोधपुर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल बरहाट ने कहा है कि लेकिन उनसे घटना की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो शख्स मिला है, ऐसा माना जा रहा है कि ये घटना रात के वक्त हुई। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि ये खुदकुशी है या फिर कुछ और मामला। एसपी ने कहा है कि हम अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये खुदकुशी थी, दुर्घटनावश हुई मौत या फिर कुछ और। हमने शवों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि कीटनाशक का आधा इस्तेमाल हुआ कनस्तर और कुछ शीशियां झोपड़ी से बरामद हुई हैं। पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला है और लिखावट का सत्यापन अब किया जा रहा है। भील समुदाय से जुड़े परिवार के सभी सदस्य पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी थे और गांव में खेत में रह रहे थे, जिसे उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए 6 महीने पहले ही बटाई पर लिया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले ये लोग दीर्घकालीन वीजा पर 2015 में यहाँ आए थे और तभी से यहाँ रह रहे हैं। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।